गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर चल रहा है 3rd, दूरी, विस्थापन और चाल। इससे पहले वाली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं आज की इस क्लास में जो टॉपिक है वो है वेग। क्या है वेग? देखो, इससे पहली वाली जो क्लास मैंने पढ़ी थी उसमें बताया था चाल। चाल होता है दूरी और समय का जो अनुपात होता है। यहाँ इसी प्रकार से वेग, विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या कहलाएगा? वेग कहलाता है। तो इसमें लिखिए, किसी कण के विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। यहां लिख सकते हैं वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय। तो जाएगा विस्थापन बटे समय, मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड, विमान m0 l1 t-1। विमान हो जाएगी इसकी m0 l1 t-1। वेग सदिश राशि है। कौन सी राशि है? वेग सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है। अगले लिखेंगे वेग के प्रकार। वेग के प्रकार, वेग के प्रकार पहला है एक समान वेग। पहला लिखेंगे एक समान वेग। क्या लिखेंगे? एक समान वेग। इसमें लिखिए जब किसी गतिशील कण के वेग का परिमाण, गतिशील कण के वेग का परिमाण तथा दिशा दोनों ही समान रहते हों, दोनों ही समान रहते हों तो वह एक समान वेग कहलाता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर लिखेंगे असमान वेग। सेकंड नंबर हो जाएगा असमान वेग। इसमें लिखिए जब किसी गतिशील कण के वेग का परिमाण, कण के वेग का परिमाण वह दिशा अथवा दोनों समय के साथ बदलते हैं तो असमान वेग कहलाता है। नंबर तीसरा औसत वेग। इसमें लिखिए किसी
किसी गतिशील कण द्वारा, किसी गतिशील कण द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन, तय किया गया कुल विस्थापन तथा तथा उसमें लगा कुल समय का अनुपात, उसमें लगा कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। इसे वी एवरेज सदिश से लिखते हैं, इसे वी एवरेज सदिश से लिखते हैं। दो पॉइंट है, ये x1, x2 टाइम यहाँ पर t1, यहाँ पर t2 हो जाएगा औसत वेग कुल विस्थापन बटे कुल लगा समय, हो जाएगा v एवरेज इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, हो जाएगा v एवरेज सदिश इक्वल टू डेल x सदिश अपॉन डेल t, v एवरेज इक्वल टू हो जाएगा डेल x सदिश अपॉन डेल t। चौथा नंबर का जो वेग है ताप क्षणिक वेग, चौथा नंबर का वेग है तात क्षणिक वेग। इसमें लिखिए किसी विशेष क्षण पर, किसी विशेष क्षण पर कण के वेग को, कण के वेग को तात क्षणिक वेग कहते हैं, तात क्षणिक वेग कहते हैं। इसे औसत वेग के साथ, इसे औसत वेग के साथ लिमिट डेल्टी टेंड टू जीरो, इसे औसत वेग के साथ लिमिट डेल्टी टेंड टू जीरो लगाकर प्राप्त करते हैं, हो जाएगा बी सदिश इक्वल टू लिमिट डेल्टी टेंड टू जीरो वी एवरेज, या लिख सकते हैं वी सदिश इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड टू जीरो डेल एक्स सदिश अपॉन डेल टी, ये लिख सकते हैं वी सदिश इक्वल टू डी एक्स सदिश अपॉन डी, हो जाएगा डी एक्स सदिश अपॉन डी। लिख लिया, इसमें नोट डाल के लिखेंगे वेग, वेग धनात्मक, वेग धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, वेग धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, क्योंकि यह है, क्योंकि यह है विस्थापन पर निर्भर करता है, क्योंकि यह विस्थापन पर निर्भर करता है। सेकंड नंबर का नोट डाल के लिखेंगे चाल सदैव धनात्मक होती है, चाल सदैव धनात्मक होती है, क्योंकि यह दूरी पर निर्भर करती है, क्योंकि यह दूरी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है विस्थापन समय आरेख, विस्थापन समय आरेख, विस्थापन और समय का क्या बनाएंगे, यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे।
डायरेक्शन में विस्थापन x, इधर है समय t। क्या है समय t? विस्थापन समय आरेख में ये अपना y अक्ष और ये x अक्ष। अब देखो विस्थापन समय आरेख का जो ढाल है ये x, ये O, A, O, P और Q। त्रिभुज O, P, Q में, किसमें? त्रिभुज O, P, Q में tan theta is equal to होगा QP upon OP, या कह सकते हैं tan theta equal to, या मैं कहूँ ये छोटा सा विस्थापन डेल एक्स है और ये जो समय है छोटा वाला ये क्या है डेल टी है। डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल टी विस्थापन बटे समय क्या होता है वी, तो हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वी। यानी कि कह सकते हैं विस्थापन समय आरेख का जो ढाल है, विस्थापन समय आरेख का जो ढाल है वो क्या देता है हमें? वेग देता है। क्या देता है? वेग प्राप्त होता है। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।